अब आज क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन पॉइंट्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो जो हमने पॉइंट्स करे वो ये हैं। हमें समझ में आता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बनाए जाएं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, हमें क्लैरिटी है कि अगर ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और दो ट्राइंगल्स अगर बनाए जाएं सेम बेस के ऊपर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी सी। इस बात को हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करेंगे। सिमिलरली अगर याद रखो तो हमें यह भी क्लैरिटी है कि अगर हमें कहा जाए कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर हैं, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो ट्राइंगल्स हमें दिया जाए कि सेम बेस बी सी के ऊपर हैं एंड आर हैविंग द सेम एरिया, एंड आर हैविंग द सेम एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया हमें दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के अगर बराबर है, तो हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे कि इट मीन्स कि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो देखो ये पिछले वाले पॉइंट का ही कन्वर्स पॉइंट है, तो इसको भी डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना पूरी तरह। यही सेम कहानी हमने पैरेललोग्राम में भी सुनी हुई है। अगर दो पैरेललोग्राम, हमें क्लैरिटी है कि अगर सेम बेस पे अगर होंगे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो वो इक्वल इन एरिया होंगे। तो अब आज जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन बातों का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। उसके अलावा हमने ट्राइंगल में एक पॉइंट कभी ऑब्टेन कर लिया अपने आप कि एक ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करती लाइन अगर बनाई जाए, सिंपली ए बी डी और ए सी डी, जिसमें जो डी पॉइंट है वो एक्चुअली बी सी का मिड पॉइंट है, तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में फेस करेंगे कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। ये बात हमने कभी क्वेश्चंस में पहले प्रूव भी कर ली, पर हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में इसको यूज करने वाले हैं, तो इस बात को भी हमेशा अपने नोटिस में रखना। तो चलो अब डायरेक्टली आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अब देखो इस टॉपिक में हम लोग पिछले सारे काम को एक साथ कंपाइल कर रहे हैं। हमने जो कॉन्ग्रुएंसी में सीखा, जो हम लोग पैरेललोग्राम्स में कर रहे हैं, जो हमने अब ट्राइंगल से रिलेटेड ये नए पॉइंट्स देखे, इन सब का अब इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली एक साथ मिक्स यूज़ है। तो अब जब हम लोग शुरू में इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इस टारगेट को याद रखना कि आवर मेन टारगेट इज़ एक्चुअली टू हैंडल द फिगर। तो हमारी ऑब्जर्वेशन कई बार हमें देखते ही स्ट्राइक करेगा, पर कई बार हमें टाइम लगता है, तो वो टाइम लगाया करो। उन क्वेश्चंस में वो टाइम को लगाने से बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। वही हमारी इम्प्रूवमेंट है, वही एक्चुअली हमारी रियल ग्रोथ है। तो चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसको बिल्कुल एंड टू एंड अपने आप कंप्लीटली वाइंड अप करने की करो। चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट था कि हम इस ट्राइंगल बी ओ ई तक पहुँचें, बी ओ ई। तो अब डायरेक्टली तो हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा था, तो हमें यहाँ पे फिगर से इस क्वेश्चन को ब्रेक करना था। हमें दिया गया था कि बी डी बराबर है डी सी के, तो एक्चुअली जो डी पॉइंट है वो सिंपली इस साइड बी सी का हमें गिवन था कि मिड पॉइंट है। यहाँ से हमारा बेस बनना शुरू होता, यहाँ से हमारे मन में ये विजुलाइजेशन आना चाहिए था कि जो ए बी डी का जो एरिया होगा वो इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का हाफ होगा। हमें क्लैरिटी है कि जो मीडियन होता है वो एक ट्राइंगल को दो बराबर एरिया के हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हम लोग ए बी डी तक तो पहुंच गए, ए बी डी का एरिया ए बी सी के एरिया का हाफ होगा। पर अब हमें फर्दर दिया गया कि जो डी जो ई पॉइंट है वो सिंपली इस बी डी का भी मिड पॉइंट है, मतलब जो ए बी ई का एरिया, देखो हमारा टारगेट क्या था, बी ओ ई तक पहुंचना, तो हम ध्यान से बिल्कुल ग्रेजुअली पहुंचते। अब बी ओ ई तक जाने के लिए हम लोग पहले ए बी ई तक आते हैं। ए बी ई का जो एरिया होगा वो ए बी डी के एरिया का भी हाफ होगा। क्यों? क्योंकि सिंपली अब की बार ए ई मीडियन था ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी डी, ए बी ई का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हो गया, मतलब वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया। तो हम ए बी ई तक तो पहुंच पा रहे थे।
अब अगर जरा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो और अगर बी और ओ को अगर हम लोग ज्वाइन करा लें तो क्या हमें विजिबल है कि जो ओ है, अब की बात सिंपली जो बी ओ है वो इस ट्राइंगल ए बी ई का एक्चुअली मीडियन था। अब क्योंकि बी ओ इस ट्राइंगल का मीडियन था तो हमें क्लैरिटी है कि बी ओ ई का जो एरिया होगा वो हाफ होगा ए बी ई का एरिया के। तो हम लोगों ने बिल्कुल सिस्टमैटिकली ऐसे अपने आप को बी ओ ई तक पहुंचाना था। अब इसी बात को बस लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन में बिल्कुल कॉपी पेन पे कहीं रफ में ऑब्जर्वेशन बनाया करो, उसके बाद लिखा करो, फिर हमारा रूट हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग डायरेक्टली पकड़ पाएंगे क्वेश्चंस को। इस केस में हमें क्लैरिटी है कि ए बी डी का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो गया। हमने क्यों करा है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट सिंपली बी ओ ई तक पहुंचना है, तो हम ग्रेजुअली जा रहे हैं उस तरफ। वहां से हमें फर्दर क्लैरिटी है कि ए बी ई का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी है, वो आ गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पर जो बी ओ ई का एरिया है वो हमें समझ में आता है कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई है। वाई? बिकॉज बी ओ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। तो बी ओ अगर मीडियन है तो हमें पता होता है कि एक ट्राइंगल का जो मीडियन है वो उस ट्राइंगल को दो बराबर एरिया के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो बी ओ ई का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई हो गया। पर ये पूरे का पूरा जो ए बी ई का एरिया है वो तो पहले से 1/4 ऑफ ए बी सी का एरिया था। तो सिंपली यहां से हमारा आंसर डेवलप हो गया इन 1 सेकेंड कि बी ओ ई का एरिया 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूरी तरह जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने फिगर से ही पकड़नी थी, तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं।